Now coming to question number 2. Identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length, 4 right angles. क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करने हैं जिसकी चार साइड्स इक्वल हो और चार एंगल इक्वल हो. पार्ट ए, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. सो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं. ए बी सी डी, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. सो स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड इक्वल्स टू डी ए. सेकेंड है हमारा रोम्बस. रोम्बस की भी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. सो पी क्यू आर एस. सो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड. दैट मीन्स रोम्बस पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस एंड इक्वल्स टू एस पी. सो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं? वन इज स्क्वायर एंड अदर इज रोम्बस. Now coming to part B, four right angles. So ये हमारा स्क्वायर है. ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है जिसमें फोर राइट एंगल्स हैं. एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री. सेकेंड कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है जिसके फोर राइट एंगल हों? दैट इज रेक्टेंगल. ए बी सी डी, हेयर एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी ये चारों 90 डिग्री के हैं. सो इन रेक्टेंगल एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री. दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल जिनके फोर राइट एंगल होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? वन इज स्क्वायर एंड अदर इज रेक्टेंगल.